हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बलजीत किचन। क्या हाल चाल है? आज हम बनाने वाले हैं एक सरप्राइज बर्थडे केक फॉर माय ब्रदर इन लॉ। तो अभी बजे हैं सुबह के 8, 8:30। तो अभी मैं जस्ट केक बनाना स्टार्ट करने वाली हूँ ताकि वो शाम तक ठंडा हो जाए तो हम उसकी डेकोरेशन कर सकें। तो अभी स्टार्ट करेंगे केक बनाना क्योंकि उनको उनका बर्थडे है तो उनको नहीं पता, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में नहीं बोल सकते हम क्योंकि बाहर की चीज़ें खाना अभी बंद किया हुआ है, तो इसीलिए उन्होंने ऑर्डर नहीं किया हुआ है केक। तो इसलिए मैं घर पर केक बनाकर सरप्राइज लेकर जाने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। क्या क्या चाहिए हमें? चाहिए 2 कप मैदा, ये हाफ कप है तो हम इसके डालेंगे 4 कप्स। बेकिंग पाउडर डालने के बाद आप कोई भी चॉकलेट डाल सकते हो अगर आपके पास कोई चॉकलेट है तो। मैं तो इसको ऐसे ही तोड़कर थोड़ी सी डालने वाली हूँ जस्ट फॉर फ्लेवर, क्योंकि मेरे पास चॉको चिप्स नहीं है तो अदरवाइज मैं चॉको चिप्स डालती। ये एक नई रेसिपी है, पहले ही मैंने शेयर की हुई है मेरे एक पहले वाले ब्लॉग में, तो ये उससे अलग वाली है जो बर्थडे केक है। तो देखते हैं ये कैसे बनता है। तो थोड़ा सा इसमें डालेंगे ये चॉकलेट पाउडर 2 टेबल स्पून, और मेरे पास थोड़े से ओरियो पड़े हुए हैं तो थोड़े से क्रश करके ओरियो भी डाल दूंगी इसके अंदर। अभी इसको कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह। मैं आप पिंच ऑफ सॉल्ट भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास जो बटर है ना वो लिटिल लाइटली सॉल्टी है तो मैं इसमें सॉल्ट नहीं डालने वाली। तो ये फटाफट बनने वाला केक है तो मैं इसके अंदर ही ये सारा कुछ मिला दूंगी। शुगर एंड ये बटर, इसको मैंने मेल्ट कर लिया। तो आप ऑयल भी डाल सकते हो अगर आपने ऑयल डालना है तो। इस बार मैं बटर डाल रही हूँ और योगर्ट, ये पूरा 1 1 कप ही है, 1 कप शुगर, 1 कप बटर एंड 1 कप योगर्ट। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अभी। आप इसको अलग अलग भी मिक्स कर सकते हो, बैट इंग्रेडिएंट्स अलग से और ड्राई वाले अलग से, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है तो मैं इसको फटाफट ऐसे ही मिक्स कर कर बेक होने के लिए रख दूँ, क्योंकि इसको ठंडा होने के लिए टाइम चाहिए मुझे। अगर ठंडा नहीं होगा तो इसकी फ्रॉस्टिंग नहीं होगी। मैं इसको 2 में बनाऊँगी, मैं आपको बताती हूँ कैसे। मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा दूध अच्छी तरह मिक्स करने के लिए। इसको ज़्यादा नहीं मिक्स करना, बस ऐसे मिक्स करना है। अगर आपको थोड़ा सा थिक लग रहा है ना तो आप थोड़ा सा दूध और डाल सकते हो। मैं थोड़ा थोड़ा करके आप चेक करते रहना कि आपको कितना दूध चाहिए, उस हिसाब से आप दूध डालना। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अभी। आप देख सकते हो मैंने इसको मिक्स कर लिया। अभी मिक्स करने के बाद ये ऐसा होना चाहिए, इससे पतला हो सकता है लेकिन मैं ज़्यादा पतला नहीं करूँगी क्योंकि उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा इसको बेक होने में। तो इसको मैं 2 पोर्शन में बनाऊँगी, इसको हाफ पहले डालकर इसको बेक करूँगी, उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं ऑरेंज फ्लेवर मिलाऊँगी। ऑरेंज के ऑरेंज है मेरे पास, उसको ग्रेट कर कर फिर ऑरेंज फ्लेवर, और दोनों फ्लेवर को कंबाइन कर कर फिर मैं फ्रॉस्टिंग करूँगी इसकी। तो मैं पहले इसको हाफ को बेक होने के लिए रखती हूँ। इसको स्प्रे कर लिया है, नीचे लगा दिया है बेकिंग पेपर। अब इसमें हाफ डालूंगी ये मिक्सचर में।
अब उनको कर लेंगे प्री हीट 160 पर फैन के साथ। तो इसको 10 मिनट प्री हीट करने के बाद इसको हम डालेंगे ओवन के अंदर। इसको मैं डालूंगी इसके अंदर, तो ये बन जाएगा ऑरेंज फ्लेवर अभी हमारा। एक्चुअली आई एम नॉट परफेक्ट इन बेकिंग, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। ये फर्स्ट टाइम है जो मैं ऐसे डेकोरेशन ही करूँगी केक को। केक तो बहुत बार बनाया है लेकिन डेकोरेट नहीं किया, घर के लिए बनाया है ऐसे। तो आज सरप्राइज केक है, ये सरप्राइज आएगा आज। पहले ही ना ऑर्डर किया हुआ उन्होंने, तो मेरा तो सरप्राइज ही बीच में रह जाएगा फिर। अभी केक गया ओवन के अंदर, इसको लगेंगे 30 मिनट्स, उसके बाद चेक करते हैं ये कैसा है। अभी हो रहा है बेक, तो उसके बाद हम डालेंगे, पनीर ख़त्म हुआ है तो अभी हम बनाएंगे पनीर। मैं बनाऊंगी मिल्क पाउडर से, तो ये मैंने लिया है 1/2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा वाटर। इसमें डालेंगे 3 कड़छी राइस फ्लावर बोल रही हूँ, मिल्क पाउडर। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें, ऐसे मिक्स कर कर आप चेक करना कि आपको कितना थिक चाहिए। जितना थिक होगा पनीर उतना ही ज़्यादा बनेगा। यस, इट्स परफेक्ट। ये 1 लीटर से थोड़ा सा कम है पानी, तो 1 लीटर में 3/4 लीटर में ये जाएगा 3 कड़छी मिल्क पाउडर। तो इसको बॉईल होने देंगे अभी, आप देख सकते हो ये बिल्कुल दूध जैसा ही है। तो इसको हम होने देंगे थोड़ा सा बॉयल, बॉयल होने के बाद हम इसमें डालेंगे विनेगर। अभी देखिए दूध हो गया है बॉयल, अभी दूध बॉयल होने तक हम इसमें डालेंगे अभी विनेगर। अभी इसमें हम डालेंगे विनेगर और थोड़ा सा, ये मेरे पास विनेगर पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, अभी लेमन डाल देंगे अगर नहीं बना इसके साथ में। इसको लिया मैंने शान, अभी पूरा पानी निकाल दें। निकल गया पानी अभी। अभी मैं बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो पनीर बन ही नहीं सकता। अभी पूरा पनीर डालिए इसमें, ये है पनीर मेकर। आप कुछ भी कोई भी परांठा वगैरह बना रहे हो जैसे गोभी का, मूली का, तो आप इसमें डाल कर ना वो उसको नचोड़ सकते हो। तो मैं इसको ना पनीर के लिए भी यूज़ कर देती हूँ, शायद ये पनीर के लिए ही है पता नहीं, पर दोनों काम देता है। इसमें डाला, इसके ऊपर डालेंगे हम ये ढक्कन, ये ढक्कन डाला। अब इसको यहाँ पर रखेंगे, इसके ऊपर कोई भी हैवी चीज़ रख दो, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट टू हैवी, ये मत समझना, क्योंकि वो गर्म है ना लीड, तो मैं इसके साथ ऐसे करती हूँ, एक्सेस वाटर निकल जाएगा ना। अभी आपके पास कुछ भी है ना, इसको ऐसे रख दें, अपने बच्चे के कोई भी टॉय ले लें और उसके ऊपर रखेंगे हम इसको हैवी चीज़ को, तो पूरा पानी जाएगा बाहर, तो ये क्यूब्स में निकल कर आएगा पनीर हमारा। तो मैं आपको एंड में दिखाती हूँ कैसे निकलेगा, क्योंकि अभी इसको 1 आवर हम ऐसे ही छोड़ेंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे बाहर जैसा पनीर मिलेगा। आफ्टर 10 मिनट्स हम इसको चेक करते हैं, तब तक हम बनाएंगे चाय। चाय जो मेरी फेवरेट चाय है, अदरक वाली। अभी हम बनाएंगे चाय, चाय के साथ खाएंगे इंग्लिश ब्रेकफास्ट। दिखाती हूँ क्या खाना है हमने। ये मेरे पास है सोया ब्रेड, ये इतनी टेस्टी होती है ना। ये बिग टू स्लाइस, हम इसको करेंगे टोस्ट विद बटर, थोड़ा सा वार्म हो जाए फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे बटर। थोड़ा सा वार्म होएगा फिर इसमें डालेंगे
इसमें लगाएंगे बटर और क्रिस्पी करेंगे। अभी हमने एवोकाडो कर लिया है कट, इसके छोटे छोटे पीस करेंगे। इसको निकालेंगे ऐसे कर कर, ऐसे वेरी इजी। अभी इसको डालेंगे ब्रेड के ऊपर। अभी इसके ऊपर डालेंगे सॉल्ट एंड पेपर, आप अपने हिसाब से डाल लेंगे जितना आपको चाहिए। Look, yummy breakfast is ready. This चाय भी बन गई, केक भी बन गया। Wow. यहाँ पर एक साइड में बन रही है चाय, तो चाय अभी पूरी तरह बनी नहीं थी, तो मैंने दूसरा बैच भी ओवन में डालने के लिए अपना पैन को रेडी किया, तो अभी मैं इसमें दूसरा बैच डालूंगी ओवन में, तो उसके बाद फिर मैं किचन क्लीन करने के बाद अब इंजॉय करूंगी अपनी चाय। तो उसके उसको बनाने के बाद, केक को बनाने के बाद थोड़ा टाइम उसको बाहर छोड़ेंगे, फिर उसको रखेंगे फ्रिज के अंदर ताकि वो ठंडा हो जाए, तो उसकी डेकोरेशन करनी हमारे लिए फिर हो जाए इजी। पनीर बनकर भी हो गया है रेडी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो कितना अच्छा ये पनीर बना है। ये जो गैजेट सा है ना, ये इसमें बहुत अच्छा पनीर बनता है, मतलब इसके पीसेस ना कट हो जाते हैं, अगर आप वैसे बनाओ तो वैसे इतना अच्छा नहीं बनता। तो कितना स्मूथ और ये कितने अच्छे पीसेस इसमें से कट हो रहे हैं, तो मैं नॉर्मली इसी में से बनाती हूँ, तो आप प्लीज़ आप लोग भी ट्राई करना। बहुत ही इजी रेसिपी है, सिर्फ 5 और 10 मिनट में पनीर बनकर रेडी हो जाता है, और आपको बाहर से भी लाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसी इस टाइम अभी हम बनाएंगे, क्योंकि केक हमारा ठंडा हो गया है, अभी हम बनाएंगे इसकी डेकोरेशन के लिए क्रीम। तो मैंने ये वाली थिकन क्रीम ली हुई है, तो हम इसको यूज करके बीप करेंगे, तो बीप करने के बाद हम इसको करेंगे डेकोरेट। अभी क्रीम हमारी होगी रेडी, अभी हम करेंगे डेकोरेट, इसको रखेंगे साइड पर, तो मैं केक रखती हूँ स्टैंड पर, तो हम करेंगे डेकोरेट अभी। अभी हम इसको करेंगे डेकोरेट, तो मैंने ये केक स्टैंड ले लिया है, इसके ऊपर डालेंगे बेकिंग पेपर, बटर पेपर जो भी हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर डालेंगे हम केक, क्योंकि मैंने इसको स्क्वायर में कट कर लिया, अभी पहले मेरा गोल था तो ये कर लिया, इसमें कट कर लिया, तो हम अभी डालेंगे क्रीम। आई एम नॉट टू परफेक्ट केक बनाने में, लेकिन हम ट्राई करेंगे। आप कोई भी कुकिंग क्रीम ले सकते हो, मैंने तो ये वाली ली है, इसके अंदर ये हो गया। आप कोई चॉकलेट वगैरह भी डाल सकते हो इसके अंदर, कुछ और कुछ चॉकलेट वगैरह डालना है तो। अभी इसके ऊपर जाएगा दूसरा वाला स्लाइस हमारा, ये वाला थोड़ा सा ना, ये सॉफ्ट बहुत ज़्यादा टूट गया थोड़ा सा। अभी इसके ऊपर भी हम क्रीम लगाएंगे। इट्स वेरी हार्ड डेकोरेशन केक में करना, कितना मुश्किल काम है, मैं जस्ट ट्राई कर रही, मेरी तो ये बिपिंग क्रीम ही नहीं सेट आ रही, अभी थोड़ा सा सेट हुआ है, बट नॉट परफेक्ट, पर आई ट्राई।
हमारी ऊपर से फ्रॉस्टिंग क्रीम अभी डन है, अभी हम साइड पे लगाएंगे ड्राई कोकोनट। किलो यह है ड्राई कोकोनट, आप कुछ भी लगा सकते हो, फ्लिक्स लगा सकते हो उसकी, एलमंड की, कोकोनट की, मेरे पास नहीं है वो, मेरे पास यही है तो मैं ये लगा लूंगी अभी। इसको सभी तरफ ऐसे लगा लेंगे। अभी हम इस पाइपिंग बैग में ना वो जो थोड़ी सी क्रीम बची है ना ऊपर से डेकोरेशन करेंगे, इसमें फिल करती हूँ पाइपिंग क्रीम में क्रीम, इसके ऊपर लगाएंगे। ओ वाओ, ओ लुक, ओ माय गॉड, मैं तो प्रोफेशनल ही बन गई अभी। ओ हो 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 हो, लुक। अगर आप लोगों ने किसी ने भी केक का ऑर्डर देना हो तो प्लीज मुझे ही देना, मैं तो प्रोफेशनल हो गई हूँ अभी। आप कहीं पर भी इसको लगा सकते हो, कहीं पर भी लगा दो। लिटल विद स्पेस पाके ना, हाँ मिक्स कलरिंग लगा देने, मिक्स हाँ जी। यस मास्टर जी, ऑरेंज एंड ऑरेंज, ओह ओके, मैं ब्राउन ला देना, उप्स दैट्स ओके, आई हैव यू यू कैन पुट ब्लू मोर, यस हैप्पी बर्थडे मास्टर जी। Look, oh my god, I am a perfect chef. Maybe हाँ जी we did, you only could put one green. Only one green? Oh, that's okay. One green. Okay. Four green. You can put one more red over there because here is no more red. Red. Red and poop. Yes. Maybe you can use red. Green with the M&M's. Okay. First we have to put little bit chocolate. You can use any chocolate just for क्योंकि हम इतने परफेक्ट नहीं है ना इस केक बनाने में तो yes, oh yes babu, yes for this is for master ji, chocolate, yes chocolate, only kya mama kya, this is chocolate babu, okay. Now we have to put Mama, अभी हम डेकोरेट करेंगे Mama, इसके साथ ये है मूसली बार, नाउ शी कैन पुट मास्टर जी नेम, जस्ट पुट जी, ओनली जी, ओके। लुक गाइस, केक हमारा रेडी है, अभी हम जाएंगे सरप्राइज लेकर केक का ना, तो अभी इसको थोड़ी टाइम रखेंगे फ्रिज में और उसके बाद लेकर जाएंगे इसको सरप्राइज केक। तेरी भैन केडी वड्डी शेफ आ, वाओ मानदा फिर
birthday to you. Happy birthday, dear Papa. Happy birthday to you. Hip-hip. Hooray! Hip-hip. Hooray! Jona, Jona, Jona. Oh! बारबेक्यू पार्टी गाइस, अभी हो गया रात के, बज गए 9:30। तो आज तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया केक बनाते बनाते। तो अभी मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो अभी जाने वाली हूँ सोने। तो होप सो आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, सरप्राइज़ केक वाला आपने इन्जॉय किया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।